YouTube Shorts, YouTube भी अब शॉर्ट वीडियो के मैदान में TikTok की तरह बनाए जा सके मजेदार वीडियो, इसके बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और सारा जानकारी जाने कि YouTube Shorts आखिर कब से आ रहा है, उसका डेट क्या है, अगर आपके पास बीटा वर्जन है तो क्या आपके में वो YouTube Shorts आ गया है, अगर आप सिंपल YouTube चलाते हो तो आपके में कौन सी तारीख को YouTube Shorts आएगा, और आप YouTube Shorts में किस तरीके से वीडियो को मेक कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, और आपको कितने सेकेंड का टाइम मिलने वाला है या फिर एक मिनट का टाइम मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम सारा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो कर देना लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। चलो कुछ नया सीखते हैं। जब से भारत में टिकटॉक को प्रतिबंधित किया गया है, तब से इस लोकप्रिय चीनी ऐप के फीचर वाले नए ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में कई कंपनियां हैं। कुछ ने ऐसे लॉन्च भी कर दिया है, इंस्टाग्राम रील्स बनाया, और अब गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने टिकटॉक जैसा सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यूट्यूब शॉर्ट्स में यूजर के पास 15 सेकेंड या उससे कम की क्लिप को अलग अलग एडिटिंग ऑप्शन के साथ एडिट करने की सुविधा आपको मिलने वाली है। क्या कहा यूट्यूब ने ऑफिशियली, इसके बारे में जानते हैं। यूट्यूब ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह एक नया छोटी अवधि का वीडियो अनुभव शॉर्ट्स तैयार कर रही है। इसके जरिए 15 सेकेंड या कम समय का शॉर्ट वीडियो शेयर किया जा सकेगा। पोस्ट में कहा गया है कि अगले कुछ दिन के दौरान हम शॉर्ट्स का शुरुआती बीटा संस्करण पेश कर रहे हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाने के कुछ टूल्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शुरुआती बीटा चरण में शॉर्ट्स अपने यूजर को एक मल्टी सेगमेंट कैमरा देगा, जिसमें एक से अधिक वीडियो क्लिप्स को एक साथ रखा जा सकेगा। इस ऐप में म्यूजिक लाइब्रेरी भी दी जाएगी, जिसके साथ यूजर्स अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। होम पेज के सेंटर में यूट्यूब शॉर्ट्स का आइकन। चलो जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। कंपनी ऐप के होम पेज के सेंटर में यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए आइकन जोड़ रही है। इस आइकन को अभी देश में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए रोल आउट किया गया है और जल्द ही इसे iOS उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 सेकेंड का यह वीडियो बनाने और शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म पहले भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद अन्य देशों में इसे पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा, आपके फीडबैक के अनुसार हम आने वाले महीनों में और अधिक सुविधाओं को जोड़ना और अधिक देशों में विस्तार करना जारी रखेंगे। 29 जून को चीन के 59 ऐप पर बैन। बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 29 जून को चीन के 59 ऐप पर बैन लगाया था। इसमें पॉपुलर जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक भी शामिल है। इसके बाद देश में विकसित कई ऐप जैसे रोपोसो, चिंगारी, जोश और मोज पेश की गई है। फेसबुक के इंस्टाग्राम ने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अपने ही ऐप में रील्स की पेशकश की है। तो फिर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट आप लोगों को सुन के एक अच्छा लगा होगा, क्योंकि YouTube भी शॉर्ट लगा रहा है, मतलब YouTube भी शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने कराने वाला है आप लोगों से। तो आप लोग अब तो तैयार हो जाइए फिर से एक अच्छा 15 सेकेंड का वीडियो क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख पाएंगे, क्योंकि YouTube तो हर कोई यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, आशा की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर देना लाइक, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।